लिए तुम्हें छोड़कर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें विरह दे सकता हूँ, क्या तुम विरह मेरे लिए लोगी? और मैं कुछ कार्य करना चाहता हूँ जो राजनीतिक कार्य है। तो राधा एक मिनट के लिए विचार कर सकी कि मैं क्या कृष्ण का विरह सहन कर सकती हूँ। तो राधा ने कहा यह बात मुझसे नहीं होगी। और सुदामा कहते हैं कि यह बात मुझसे हुई, मैंने सामने अपनी आश्रम से कृष्ण को छोड़कर मैंने दरिद्रता अनुभव की। केवल कृष्ण मेरे गुरु के पास एक योग्य विद्यार्थी बने, एक श्रेष्ठ योगी बने, इसलिए मैं कृष्ण को छोड़कर मैं यहाँ आया। राधा मैं कृष्ण का विरह मैंने अनुभव किया है और तू विरह अनुभव नहीं कर सकती। यह सुदामा ने राधा को कहा। और राधा ने उस दिन से कहा कि कृष्ण तेरा अगर ऐसा कोई कार्य है तो बोल, मैं विरह अनुभव करने के लिए तैयार। और कृष्ण ने कहा कि मैं उस धर्म युद्ध के लिए जा रहा हूँ जो कौरव और पांडवों में होने वाला है। राधा उस दिन तू शक्ति बनकर मेरे लिए आना और मैं विरह भोगने के लिए तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि क्या राधा तू विरह सहन कर सकी? तो राधा ने पहले ना कह दिया, लेकिन सुदामा के उस विरह को देखकर उसने कहा हाँ मैं विरह सहन करने के लिए तैयार। और राधा मथुरा में वृंदावन में राधा रहेगी और कृष्ण उस राजकार्य पर चले गए जो धर्म युद्ध का कार्य था। लेकिन जब वापस आए तो उस युद्ध में सुदामा भी थे जिससे कृष्ण को साथ दिया। और जब ये सारी चीजें होकर सुदामा और कृष्ण वापस लौटे और राधा उनका इंतजार कर रही थी, तो राधा ने कहा कि हे सुदामा, आज तुमने जो विरह कहा उस विरह में मैं जीती। तो सुदामा कहते हैं कि राधा आज भी तुम नहीं जीती, आज भी मेरी ही जीत है, क्योंकि मैंने कृष्ण के साथ मैंने जीवन निकाला है। कृष्ण के साथ मैं मरने के लिए तैयार होकर आगे गया था, जबकि तुम कृष्ण का चिंतन करते यहाँ बैठी हुई थी, तुम कृष्ण का साथ देकर नहीं आई। और इसके बाद कहते हैं कि सुदामा और राधा एक ने एक अपने विरह के बारे में शाप दे दिया कि सुदामा तू जिस प्रेम पर इतरा रहा है तू कृष्ण से दूर हो जाएगा। और सुदामा ने भी राधा को श्राप दिया कि हे राधा, तूने जिस कृष्ण के बारे में इतना कुछ कह दिया है, तू भी एक दिन कृष्ण के लिए इसी तरह विरह के बारे में तड़पेगी और दोनों का श्राप आपकी ईर्ष्या का कारण बना। मैं ये बात आपको इसलिए सुना रहा था, जिसकी कुंडलिनी जागरण भी हो, जिसके पास कृष्ण जैसा भगवान भी हो और सुदामा जैसा मित्र भी हो, राधा जैसी पत्नी भी हो, तुम्हें भी प्रेम की बात आ गई और ऐसी बात है तो ईर्ष्या द्वेष तुम्हें भी नहीं गया, तुम्हारे में मेरे में क्या जाएगा? प्रेम तो ईर्ष्या द्वेष तुम्हारे में भी रहेगा, ईर्ष्या द्वेष तो हमारे में भी रहेगा, लेकिन उनकी ईर्ष्या द्वेष का एक चरम सीमा को समझना चाहिए यहाँ कि हर एक में, चाहे इंद्र हो, देवता हो, उन सभी में भी ईर्ष्या द्वेष है, लेकिन उसको एक हद तक रखें, यह गुरु का कार्य है। कृष्ण ने दोनों को भी हद में रखा था, क्योंकि उन दोनों का विरह कृष्ण के कार्य में अड़चन बन रहा था, इसलिए कृष्ण ने दोनों को दूर किया और दूर करते हुए उसने अपना कार्य संपूर्ण किया। कभी गुरु अगर आपको आपसे दूर होकर कुछ कार्य करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका कार्य होता है, ये बात आप समझे। शिष्य गुरु को क्यों दूर करता है? कुछ सिखाना चाहता है। शिष्य गुरु को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने से दूर रखकर उसको विद्या सिखाता है, उसको अपने पांव पर खड़े रहने की प्रक्रिया करता है, उसकी कुंडली जागरण करने की प्रक्रिया करता है। और इस कुंडली जागरण की प्रक्रिया को मैं इसलिए समझा रहा था कि जब तक शिष्य अपने गुरु से कुंडली के माध्यम से अपने गुरु को रोज बात नहीं करता, रोज उसके साथ तादात्म्य स्थापन नहीं करता, तब तक वो शिष्य कहलाता नहीं और श्रेष्ठ होता नहीं। मैं भी गुरु को नहीं देखता हूँ, आपकी भांति मैंने गुरु जी के उस शरीर को छोड़ते हुए मैंने भी देखा है, गुरु जी शरीर को छोड़ते हुए देखा है, लेकिन मैं आज अनुभव करता हूँ गुरु जी यहाँ है। और मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप ये अनुभव करें कि गुरु जी आप कहीं भी कितनी दूर भी हो, गुरु जी आपके साथ है। और इस प्रक्रिया को जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यह प्रक्रिया मैं आपको आज समझा रहा हूँ। यही बात गुरु गोरखनाथ ने मच्छिंद्रनाथ जी को पूछी थी। हम सांसारिक जो इस लोग हैं, जो संन्यास नहीं कर सकते, जो ब्रह्मचर्य नहीं कर सकते, जो योगासन नहीं कर सकते, प्रभु उनके लिए कौन सा ऐसा मार्ग है जिनकी कुंडली जागृत हो और अपने देवता या अपने गुरु के साथ नित्य बात कर सके, अपने गुरु के साथ साहचर्य प्राप्त कर सके, अपने गुरु के साथ नित्य रह सके, अपने गुरु का प्रेम प्राप्त कर सके, चाहे कितनी दूर शरीर से दूर है, तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो गुरु को अपने साथ रखकर अपने को रोज मार्गदर्शन कर सके? तो मच्छिंद्रनाथ जी कहते हैं कि उसकी कुंडली जागृत हो, उसकी कुंडली जागृत होने के लिए नियमबद्ध हो। तो गोरखनाथ जी कहते हैं प्रभु नियमबद्ध नहीं हो सकता तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो गोरखनाथ जी ने तब कहा कि संसार में मैं तुम्हें यह प्रक्रिया सिखाता हूं, तुम मेरे साथ आओ। दोनों मिलकर जा रहे थे तो एक राज्य में जाते जाते दोनों ने देखा कि एक
बच्चा जिसके हाथ पांव कांट देकर चौरस्ते पर पड़ा हुआ है, फेंक दिए हैं, और जो रोते हुए लग रहा है उसको कोई खाना नहीं डाल रहे, और लोग सब लोग तमाशा देख रहे हैं लेकिन उसको कोई उठा नहीं रहा है खाना नहीं। दोनों ने देखा, गोरखनाथ जी ने देखा और बचेंद्रनाथ जी ने भी देखा। देखकर कहा, ये क्या हो रहा है, क्या माजरा? सभी लोगों को पूछा क्या हुआ, तो कहा कि ये राजा का पुत्र है, इसने अन्याय किया, घोर अन्याय किया, इसलिए इसके हाथ पैर काट कर यहां डाल दिए। जब ये बात मच्छिंद्रनाथ जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने देखा कि इस बालक का कोई इसकी बालक की गलती नहीं है। उन्होंने कहा, गोरखनाथ, जिसको अन्याय के साथ इसके हाथ पैर काट डाल दिए गए, इसको तू बचा ले, और हम उस राजा से पूछेंगे कि हम इस बच्चे को ले जाना चाहते हैं। तो वे राजा के पास गए और उस बच्चे को उठाकर राजा से पूछा कि इस बच्चे के हाथ पर क्यों काट डाले? तो कहा कि हे साधु सन्यासी, आप जो कोई भी हो आपको नमस्कार करता हूं, लेकिन इसने जो अन्याय किया है इसके लिए मैंने इसके हाथ पैर काट डाल दिए। तो उन्होंने कहा कि इसने क्या अपराध किया है? इसने इसकी सौतेली माँ जो है उसके ऊपर कुदृष्टि डाली थी, बुरी दृष्टि डाली थी, इसलिए इसके हाथ पांव काट दिए। तो उन्होंने कहा, ऐसा किसने कहा? उसकी सौतेली माँ स्वयं ने कहा। तो गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ सौतेली माँ के पास गए और उनके आंखों में देखकर उसके कहा कि हे माँ, तू बतला दे, क्या ये बच्चा सचमुच तुझ पर बुरी दृष्टि डाला हुआ था? तो उसने कहा, हाँ, तुम कोई भी सन्यासी हो, उसने ऐसा किया था, इसलिए उसकी शिक्षा उसको ये दी गई है। तब उन्होंने कहा कि माँ, तुम ये बात गलत कह रही हो, मैं उसे बता देता हूँ कि तुमने ये गलत किया है। तब उन्होंने उस राजा को अपने हाथ पर ही वो दृश्य अंजन लगाकर दिखा दिया कि जो कार्य हुआ था, कि वही राजा बूढ़ा होने के कारण, ये सौतेला पुत्र होने के कारण बहुत ही सुंदर था, और उसके ऊपर उस सौतेली माँ का मोह हो गया था, और जब वो माँ उसको मोहित करते हुए आने के लिए बात कह रही थी तब उसने बात नहीं मानी और माँ को गलियां देकर चला गया। तो उसके दासी ने कहा कि ये बात अगर महाराजा को पता चल जाए तो महाराज मुझे मार डालेंगे, मैं विष खाकर मर जाती हूँ। तो उस दासी ने कहा कि माँ, तुम क्यों मरती हो? रानी माँ जी, तुम एक बात करो ना कि तुम ऐसा ही सो जाओ और खाने विष खाने के लिए तैयार हो जाओ, महाराज पूछेंगे कि तू क्यों विष खा रही है, तो बोलो कि उस बेटे ने तुम्हारे पर कुदृष्टि डाली, तो उस बेटे को उनके हाथ पांव काट लेंगे, उसको मार डालेंगे। उसकी बात अच्छी लगी और दासी की बात सुनकर उन्होंने यह घृणास्पद कार्य किया और उसके हाथ पांव काट डाले थे। तब गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ जी ने उस महारानी को शिक्षा देकर उस राजा को उस अंजन का बताकर कहा कि मैं इस पुत्र को ले जाते हैं और चौस उसके हाथ पांव वहीं उस चौरस्ते पर उसके हाथ पांव ला देकर संजीवन मंत्र से उसको उठा दिया और उसको चौरंगी नाथ नाम का नाम देकर नाथ संप्रदाय में उनको एक जगह एक विशाल का पत्थर में रखकर कहा कि तू यहाँ तपस्या रत रह जा। तो उसने कहा, आपने जब बचाया ही है तो मुझे मेरा मार्ग बताओ। तो कहा, इतने जल्दी नहीं होने वाला बेटा, तू यहाँ रह जा। और उन्होंने 12 साल तक एक पत्थर उसके सामने खड़ा कर दिया और उसको टेक कर खड़े हो जा कह दिया, इसको टेक कर खड़ा हो जा, रोज तुझे यहाँ खाना वगैरह सब मिलने के लिए आएगा, तू खाना खा के रह जा, लेकिन एक बात याद रख, तू जरा इस पत्थर से हटा तो पत्थर तेरे ऊपर गिरकर तू मर जाएगा। अब वो पत्थर के टेक पर खड़ा है, हटेगा तो पत्थर गिरेगा मर जाएगा, नहीं हटेगा तो वहीं बैठे रहना है। तो उसको इस तरह गुरु ने उसको फंसा दिया कि और वो 12 साल तक उसी पत्थर को टिक कर रहा और चौरंगी नाथ कुंडली जागरण होने के बाद वो भी एक महान योगी कहलाया। ये गुरु की प्रक्रिया है। मैं ये बात आपको क्यों समझा रहा हूँ कि गुरु अपने शिष्य को नियमबद्ध बनाते हुए किस तरह उस कुंडलिनी के मार्ग पर ले जाते हैं, ये नाथ संप्रदाय में हुआ। और उस चौरंगी नाथ को जब वे 12 साल के बाद आए तो उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया आपने 12 साल तक की। तो गोरखनाथ जी ने कहा, ऐसी प्रक्रियाएं कितने लोगों के साथ करते रहेंगे? तो क्या संसार में किसी के कुंडलिनी जागरण ना हो? केवल उन्हीं लोगों के हो जो तपस्या कर सकते हैं, केवल उन्हीं लोगों के हो जो 12 साल तपस्या कर सकते हैं, जो एक अंधेरे कोठरी में बंद रह सकते हैं, दूसरे लोगों को इसका कोई आस्वाद या इसका कोई धारणा नहीं मिल सकती। तब तपस्या के मार्ग पर श्रेष्ठ कहलाने वाले माया मच्छिंद्रनाथ जी ने जिस प्रक्रिया को समझाते हुए कुंडलनी का यंत्र बनाते हुए जिस सर्प की प्रकृति को करते हुए कहा कि जो इस संसार में इस कुंडलनी जागरण के इस मंत्र को करता है, जो नियमबद्ध पालन करते हुए इस कुंडलनी जागरण की केवल एक माला नित्य करता है और 40 दिन इस माला का मंत्र जब इस यंत्र के सामने करता है, उसकी कुंडलनी जागरण जरूर होगी और वो देवता के साथ बात कर सकेगा। और मुझे इस प्रक्रिया को निकालने के लिए, मैं सच कहता हूँ आपको, मैंने 6 दिन तक उपवास करना पड़ा, ये बात सब लोग जानते हैं। मैं केवल दूध आहार पे रहा कि मेरे शिष्यों को मैं कुंडलनी जागरण के लिए क्या प्रक्रिया कर सकता हूँ, मैं किस देवता को यहाँ ला सकता हूँ। और मैं यहाँ आप सब लोग हैं तो अब ये मैंने बहुत सारे लोगों को ये बात बताई है कि मैं 6-7 दिन तक केवल दूध आहार पे रहा और एक देवता को इसलिए प्रत्यक्ष किया कि मेरे शिष्यों को मैं कुंडली जागरण की प्रक्रिया सिखाने के लिए, प्रभु वो कोई मंत्र बता दो जो केवल मंत्र साधना के मार्ग से उनकी कुंडली जागृत हो जाए। और मेरे साथ जो भी थे, चाहे
शंकराचार्य हो जिनके पास साथ में जंगल में पहाड़ पर केवल दूध आहार लेकर 7 दिन तक रहा, वे लोग जानते हैं कि उस मंत्र को लाने के लिए मुझे क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ा। केवल मैं मेरे गुरु कृपा से और मेरे गुरु जी के साक्ष्य लेकर मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप सब लोग भी साधनारत हो, आप भी वैसी ही साधना करें, आप ऐसे ही श्रेष्ठ शिष्य कहलाएं कि आप चार लोगों को उपयोगी हो, चार लोगों को देवता प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आप में भी आए। इसलिए मैंने वो साधना आज आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, आज मैं ये बात यही नहीं कर रहा हूँ, जिसकी कुंडली जागृत हुई वह सबसे संसार का ऐश्वर्यवान हुआ, वह सबसे संसार का श्रेष्ठ आदमी हुआ, वो चाहे तो अष्टमहा सिद्धियां उसके सामने रोंगती है, उसके जो सहाय एक दिन में महल खड़ा कर सकता है, वो स्वर्ण की वर्षा करवा सकता है, वो अपने साथ जीते हुए हजारों लोगों को जीने की प्रक्रिया सिखा सकता है, उसकी जिसकी कुंडली जागृत हो। और वो कुंडली जागरण की प्रक्रिया के लिए जिस मंत्र का या आधार लेकर मैंने आज आपको वो कुंडली जागरण की साधना या सिद्धि या विधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ या देने जा रहा हूँ, मैंने उसके लिए भी आपके लिए यू ही नहीं मांगा, मैं आप सभी लोगों के लिए कि आप सब लोग ऐश्वर्यवान बने, अष्टमहा सिद्धियों के दाता बने, आपका गुरु के साथ तादाद में हो, आप केवल गुरु के नहीं गुरु भी आपके हैं इसका आपको एहसास हो, इसका अनुभव हो, इसके लिए इस कुंडली जागरण की प्रक्रिया के लिए मैं इस शनिवार तक कल शुक्रवार तक उस शुक्रवार से पहले शुक्रवार से लेकर शुक्रवार 8 दिन तक इस केवल प्रक्रिया के लिए गुरु से यही मांगता रहा कि गुरु जी हम असमर्थ ना जिए, जो भी मेरे पास आते हैं मैं कुछ उसको उनको उन सभी को कुछ करवा के बता सकूं, चाहे सिद्धाश्रम के योगी कुछ करवाने दें या कुछ ना दें, कुछ नियम बंधे हुए हैं कि वो तुम्हें चमत्कार दिखाना नहीं है, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, ये ऐसा नहीं चलेगा, कितने दिन चलेगा, लोग चाहते हैं कि कुछ चमत्कार दिखे। आज हम महामृत्युंजय की बात करते हैं तो क्या हमने मृत्यु को जय करके किसी को बताया, किसी मृत आदमी को हमने जीवन करके बताया, लेकिन उन सन्यासियों ने मृत आदमी को जीवन करके बताया जो महान सन्यासी कहलाए। हर एक सन्यासी के जीवन में आप देखो कि वो किसी न किसी मृत व्यक्ति को जिंदा किया है और उसने कहा है कि मैंने मृत संजीवनी विद्या जानी है, जिसको मृत संजीवनी विद्या जानी है वो कुंडली जागृत व्यक्तित्व है और कुंडली जागृत व्यक्ति भी मृत व्यक्ति को जागृत कर सकता है, मृत संजीवनी वह विद्या है जो उस मृत व्यक्ति को जागृत कर सकता है। अगर हम ये बात कहें आज हनुमान जी को भी ले सकते हैं या प्रभु रामचंद्र जी को भी ले सकते हैं, रामचंद्र जी वहां पड़े हुए थे और उनको क्या प्रक्रिया नहीं थी कि वे कैसे जागृत हो, मेघनाथ जैसा रावण का पुत्र उनके ऊपर अस्त्र चलाता है और वे निश्चेष्ट होकर गिर जाते हैं, और हनुमान जी जैसे महान भक्त जिनके पास सारी विद्याएं अष्टमहा सिद्धियां जिनके पास खड़ी है ऐसा कहते हैं, लेकिन उनको भी मृत संजीवनी बुटी लाने के लिए जाना पड़ा, जिनको मृत संजीवनी की अगर हम कहते हैं कि उन्होंने देखा कि कुछ मृत संजीवनी बुटी कहते हैं नहीं, उनको नहीं मालूम हुआ और वे पहाड़ उठा के ले आए, क्या उनको वो विद्या नहीं थी, मृत संजीवनी की विद्या जागृत नहीं थी, अगर उनको जागृत होती तो वो एक ही पौधा लाकर रामचंद्र जी को उठा देते थे, तो उनको यह ढूंढना पड़ा क्यों, क्योंकि हम इसके ऊपर विचार करें यह क्यों की बात, क्योंकि इनके पीछे गुरु और कुंडली जागरण की प्रक्रिया चाहिए, तो वो विद्या को उस पौधे को जान सकता है और उस पौधे को जान सकता है तो मृत संजीवनी होते हैं और उस समय रामचंद्र जी उठ सकते हैं। ऐसे मृत व्यक्ति उनको कितने कुन कुन लोगों ने किन को उठाया है, क्यों ये बात संतों में ही रह गई, क्यों सुषेण नामक वैद्य ने ही हनुमान जी से कहा कि तुम वो मृत संजीवनी बुटी को ले जाओ जिससे हम रामचंद्र जी को उठा सकते हैं, क्या विद्या रावण के पास थी, क्या विद्या मेघनाथ के पास थी, रावण अपना सिर काटता था और उसका सिर जुड़ जाता था, ऐसी कौन सी प्रक्रिया थी उसके पास कि वो विद्या उसके पास थी और रामचंद्र जी के पास नहीं थी, हम जिसे देवता मानते हैं। कभी आप सोचो, मैं यही बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि कुंडली जागरण एक प्रक्रिया है, हर एक साधु संत चाहे संत ज्ञानेश्वर जी हो उनके जीवन में भी उन्होंने मृत व्यक्ति को जागृत किया, संत माणिक प्रभु हो, दत्तात्रेय जी हो, स्वामी समर्थ रामदास जी हो, कल्याण का सिर कटा फिर उसको उन्होंने जीवंत किया, चाहे जमदग्नि महामुनि हो, कोई भी ऋषि हो जिन्होंने मृत संजीवनी विद्या से जागृत किया उनकी कुंडली जागरण की व्यक्ति सक्रिय थे, और जिन्होंने मृत व्यक्ति को जागृत किया चाहे मृत संजीवनी विद्या से हो, चाहे महामृत्युंजय जप से हो, और चाहे कौन सी किसी भी विद्या से हो, यह प्रक्रिया हुई वह कुंडली जागरण व्यक्तित्व था, क्योंकि उसे उस संसार का, उस ब्रह्मांड का ज्ञान था, उस शरीर का ज्ञान था कि मृत्यु कहाँ है, प्राण क्या है, इसके प्राण कहाँ गए हैं, और ये नाथ संप्रदाय है तो वो प्राणों को कहीं से भी उठा के ला सकते थे, वो किसी को भी मनुष्य को कूट कर फिर जिंदा कर दे सकते, भस्म हुए आदमी को हमने देखा है, शुक्राचार्य कच्छ को जो बृहस्पति का बेटा था उसको भस्म करके जला देने के बाद उन्होंने जिंदा किया मृत संजीवनी विद्या से, तो क्या वो विद्या नहीं है, वो विद्या कहाँ गई, उस विद्या को कौन सिखा सकता है, हम केवल अगर बताने के लिए रह गए कि मृत संजीवनी विद्या हमारे बाप दादा करते थे तो लोग आज हम पर हंस रहे हैं, कोई एक ऐसा आदमी बता दो, कोई एक ऐसा ऋषि बता दो जिसे मृत्यु को आज हमको जिंदा करके बता सके, क्योंकि हमारे पास कुंडली जागरण की विद्या नहीं है, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या बताने वाला हमारे पास कोई नहीं है,
अगर है तो आज हमारी ये स्थिति नहीं रहती थी। आज हमारे आजादी में इतने लोग मरे गए, वो जिंदा होकर आज कितना भी हमारा उद्धार होता सकता था। वो ऋषि कहाँ गए, वो विद्या कहाँ गई, और उस विद्या के लिए कौन प्रयत्न कर रहा है? यह कार्य मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने किया और उस विद्या का बोध किया और वृद्ध व्यक्ति को जागृत किया। इसलिए मेरे गुरु जी उस साधना मार्ग को बताने वाले इस संसार के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे, जो 2000 साल तक ऐसा व्यक्तित्व नहीं हुआ ना होगा, जो इस विद्या को देने वाला, जो इस विद्या को समझाने वाला केवल मेरे गुरु का व्यक्तित्व है। जो गुरु जी स्वयं कहा करते थे कि आज 2000-2500 साल पहले से फिर ऐसा व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ। जो प्रकाय प्रवेश को जाने, जो मृत्युंजयनी विद्या को जाने, जो महामृत्युंजय जप को जाने और साधना को बता सके। और इसको जानने के लिए कुंडली जागरण की प्रक्रिया चाहिए। मैं इसीलिए आपको गुरु जी को जुड़ने की प्रक्रिया बता रहा हूँ। वही प्रक्रिया जो मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी को बताई थी, वही प्रक्रिया जो गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को बताई थी, और उसके बाद में यह परंपरा समाप्त सी हो गई। किसी ने नहीं बताया, इस विद्या को ढूंढा नहीं, और इस विद्या को जानने के लिए तपस्या की जरूरत है। जिन्होंने इस विद्या को किया, जो केवल दूध आहार पे ऊपर इस मंत्र को करते हुए 7-8 दिन तक रहता है, या 40 दिन तक एक समय भोजन करते हुए और भोजन करते समय 5 लीटर बाद में पानी भी नहीं पूछता, ऐसा 40 दिन की साधना करता है, उसकी कुंडलनी जरूर जागृत होगी और वह संसार का सबसे ऐश्वर्यवान होगा। आप अगर ये बात रहस्य की बात है, सभी गुरु जी किसी को बताए या ना बताए, या मेरा चिंतन कहता है, इसे कोई पुष्टि करे या ना करे। हम भगवान विष्णु जी जब लक्ष्मी मां रूठ कर कोल्हापुर चले गई तो वे अवतार लेकर इस कलयुग में आए आए तो शेषाद्री पर्वत पर आए, जो आज जिसे हम तिरुपति कहते हैं। तो उनके बारे में भी यह कहा गया है कि वे आए और लक्ष्मी को ढूंढने के लिए, या लक्ष्मी से रूठ कर, मां लक्ष्मी से रूठ कर वे तपस्यारत हो गए। तो वे तपस्यारत हो गए तो कहां गए कि वो बिल में सर्प के बिल में बैठे हुए थे, सर्प के बिल में बैठे हुए थे और तपस्या रत। तो हमें ये प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु जो वेंकटेश्वर का अवतार कहा जाते हैं, उन्होंने तपस्या की तो किन की? भगवान शिव की, महालक्ष्मी की, विष्णु की, या माया महालीला विहारिणी की? कौन सी साधना उन्होंने की जो वहां बिल में बैठे रहे? और जो बिल में बैठे रहे तो उनको जिस दिन वे उस बिल में बैठे रहे तो ब्रह्मा गाय बनकर, ऋषि उनका बछड़ा बनकर उसके ऊपर दूध डाल देते हैं जिस बिल में भगवान विष्णु बैठे हुए थे। ये तो सभी को कहानी तिरुपति के जितने भी लोग जानते हैं सभी को पता है कि वहां रोज ब्रह्मा गाय बनकर और बछड़ा शिवजी बनकर वहां दूध आकर देते थे, और वो दूध रोज भगवान वेंकटेश्वर जो बिल के अंदर रहकर पिए थे, जिसे गोगर्भ कहा गया है। आज भी आज तिरुपति जाएंगे तो उस तपस्या स्थली को देख सकते हैं जहां भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। उन्होंने कौन सी तपस्या की थी, कौन से भगवान की तपस्या की थी? मैं कहता हूं वो कुंडली जागरण की वह प्रक्रिया थी, और उस कुंडली जागरण की प्रक्रिया पर उसने जिस ब्रह्मा से दूध पिया और वो दूध के आहार पर वो प्रक्रिया के आज वेंकटेश्वर स्वामी का ऐश्वर्य आप देख रहे हैं। बिना लक्ष्मी के भी आज वो ऐश्वर्य देख रहे हैं, जहां आज करोड़ों रुपयों को रोज भक्त आते जाते रहते हैं, और एक कुंडली में उतनी शक्ति है, उतनी तपस्या है, तो आप भी उस कुंडली जागृत कर सकते हैं, और यह केवल गुरु ही समझा सकता है। जिसने जीवन में कुंडली जागरण की प्रक्रिया की वो संसार का सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्यवान बना, और बार बार यह प्रक्रिया नहीं होती, ये केवल गुरु पूर्णिमा के उस संधि पर होती है। और गुरु, मैं आज पत्रिका अगर आप पढ़ते हैं तो मैंने पत्रिका में यह बात दी है, शिष्य को केवल गुरु के पास गुरु पूर्णिमा में आना पड़ता है, बाकी का कार्य गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को अपने अच्छे मार्ग पर ले जाए, शिष्य को सामर्थ्यवान बनाए, शिष्य को ऐश्वर्यवान बनाए, शिष्य की इच्छाएं पूरे करे, ये गुरु का कर्तव्य है। केवल शिष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है, और शिष्य जो गुरु के पास पहुंचा उसको उसका मार्ग पर ले जाता है गुरु। और इसी परंपरा में मैं आज कहता हूं आपकी इस कुंडली जागरण की यह प्रक्रिया, ये कुंडली जागरण का विधान मैं आपको समझा रहा हूं। जिस यंत्र के सामने अगर आपको हो सकता है तो 7 दिन केवल एक कप, वो भी ठंडा गाय का दूध पीकर, एक ही कप दूध पीकर उस मंत्र को आप रोज 11 मालाएं करते रहो, यह एक प्रक्रिया है। नहीं है तो 40 दिन केवल एक बार भोजन करो, और भोजन करते समय ही पानी पीना चाहिए, बाद के समय में पानी नहीं पीते हुए उस मंत्र की एक माला मंत्र जब 40 दिन करो, और कहीं भी जाना नहीं है, केवल पर्वत शिखर पर रहना है, और आखिरी दिन आपको पर्वत के शिखर पर जाकर बैठना है। भगवान वेंकटेश्वर भी पर्वत शिखर पर थे, आज हम जो तिरुमला कुंडा कहते हैं वो भी पर्वत शिखर पर थे। तो मैं वो कुंडली की साधना कहता हूँ, कुंडली जागरण की वही साधना कहता हूँ जो आप उनको ऐश्वर्यवान देख रहे हैं, और आज मैं भी आपको वही साधना समझा रहा हूँ। आज मैं भी ऐश्वर्यवान हूँ तो मेरे गुरु की वो प्रक्रिया ही है जिसकी साधना मैं उस बल पर आज आपको इतने सबने सभी के सामने इस ऐश्वर्य के साथ यहां बैठा हुआ दिख रहा हूं। उनके जीवन में भी युद्ध हुआ,
भगवान वेंकटेश्वर जी के जीवन में भी उनके सालों ने युद्ध किया, उनके पत्नी के भाइयों ने युद्ध किया, जो पद्मावती माता के दोनों सारे दोनों भाई थे उनमें भी युद्ध छिड़ा। भगवान वेंकटेश्वर जी का भी उनके उनके सिर पर भी मार लगा, वे भी हार गए। ये बहुत बड़ी कहानी है, ये बाद में सुनाऊंगा। यहाँ कुंडली जागरण की प्रक्रिया चल रही है। जिसकी कुंडली जागृत हुई वह ऐश्वर्यवान हुआ, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई, उसके सामने देवता खड़े रहे, अपने गुरु से तादाद में स्थापन किया, अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु ने उसको अपनाया। तब जब वो नियमबद्ध हुआ और कुंडली जागृत जिसकी हुई, आज वही प्रक्रिया समझाते हुए कह रहा हूं कि जिस कुंडली यंत्र को मैं आज विधान समझा रहा हूं आपको, जिस कुंडली यंत्र को आप सामने रखकर, जिस मंत्र को मैं आपको समझा रहा हूं, उस मंत्र को अगर आप करते हैं, उस कुंडली को, उस गुटिका को सामने रखकर, अगर आप मैं जैसा कहता हूं उस विधान से अगर आपके जीवन में करते हैं, तो आपको वो दिन देखना नहीं, आप स्वयं ऐश्वर्यवान बनेंगे। ऐसे गुरु जी के हजारों आश्रम बनेंगे आप अगर सामर्थ्यवान होंगे। शिष्य का कर्तव्य होता है, शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपना अपने गुरु का नाम रखें। आने वाले पीढ़ियों को अपनी अपनी धरोहर के नाम पर एक ज्योति जलाते हुए आने वाले पीढ़ियों को अपने गुरु का नाम दे दें, अपने गुरु की साधना का प्रक्रिया दे दें। जो साधनाएं समाप्त हो गई थी, जो अपने पुस्तकों को जलाकर बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों ने जलाकर फेंक दिया था, अपनी साधनाएं गुरुकुल खत्म हो गए थे, उसे फिर पुनर्जीवित करने वाले परम पूज्य सद्गुरु जी के उस दिए को हम फिर जला, फिर निखिल ज्योति को फिर जलाते हुए आगे चलना है, फिर उस साधना मार्ग को लेकर चलना है, फिर उस तपस्या को लेकर चलना है और इस भारत भूमि को उतना श्रेष्ठ बना के बताना है कि हम संसार में गुरु की ज्योति जलाए। मेरी इच्छा मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ, या आप गुरु भाई समझो या गुरु समझो कुछ भी, लेकिन मेरी इच्छा है जो साधना के स्थलीय तीर्थ क्षेत्र हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, 18 शक्तिपीठ, वहां निखिल चेतना केंद्र की स्थापनाएं हो, आप सब लोग मेरी सहायता करो, हम स्थापन करेंगे वो साधना क्षेत्र हो और वहां उस शक्ति का उत्सर्ग हमारे, उस शक्ति को हमारे में समाहित कर लेने की शक्ति हमारे में हो, उस शक्तिपीठ स्थल पर, उस तीर्थ स्थलों पर, उस ज्योतिर्लिंग के स्थानों पर, उस अर्थात शक्तिपीठों पर हमके जितना की नरण की स्थापना हो, ये मेरा उद्देश्य है जीवन का। मैं हैदराबाद में या बड़े बड़े शहरों में स्थापना नहीं करना चाहता, मैं उन शक्ति स्थलों पर स्थापना करना चाहता हूँ, उस ज्योतिर्लिंग पर स्थापना करना चाहता हूँ जहाँ तीर्थ क्षेत्र में हर महान व्यक्ति रहता है। ये भी आपकी कामना होनी चाहिए और इसके लिए आप शक्तिवान सामर्थ्यवान होना चाहिए, इसके लिए आपके ऊपर गुरु कृपा चाहिए, इसलिए आप नियमबद्ध होना चाहिए और इसलिए आपकी कुंडली जागृत होनी चाहिए। एक अच्छा विचार, अच्छी आलोचना हमारे में आनी चाहिए। संसार में ये आने वाले ऐसी चीजें तो हर एक के जीवन में घटी, चाहे शंकराचार्य जी को विष पिलाया, सुकरात को विष पिलाया, सीसा महावीर के कानों में सीसम डाल दिया गया, ऐसा कोई संत नहीं जिसको इस संसार ने कष्ट नहीं पहुंचाया, लेकिन वो अपने को पहुंचाने वाले कष्ट को कष्ट नहीं कहते थे, केवल उनके उनके गुरु का चिंतन रहता था, वो तो कष्ट सहने के लिए तैयार है। सूर्य जलता रहता है तो आपको उजाला देने के लिए, चंद्र में दाग पड़ा हुआ है तो आपको उजाला देने के लिए, आग जलती है, बत्ती जलती है तो आपको उजाला देने के लिए, उसी तरह संत होता है, वो अपने आप को जलाते हुए दूसरों को देता है, उसको अपने जलने की प्रक्रिया कोई दुख नहीं होता, उसको जलाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन वो चाहता है कि वो मैं दूसरों को मैं उजाला प्रदान कर रहा हूँ। आपको भी मैं चाहता हूँ आप भी वैसे ही निखिल ज्योति बने, आप चार लोगों को उजाला दे सके, इस कार्य को करने के लिए आपको ये इस कुंडली जागरण की प्रक्रिया को करना है। आपके जीवन में यह यंत्र मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए, आपको ऐश्वर्यवान अगर बनाना चाहते हैं, गुरु से आपका तादाद में रखना चाहते हैं, तो ये साधना आपके जीवन में जरूर संपन्न करें। इस साधना में केवल कुंडलिनी यंत्र और कुंडलिनी माला, उसके साथ एक गुटिका, इसमें करना सिर्फ यही है आपकी तपस्या और आपका नियम। तपस्या में केवल आपका यह है कि एक कप दूध पीते हुए 7 दिन आप रहकर पर्वत के पहाड़ के ऊपर 8वें दिन जाकर इस साधना को करना है, और जो 7 दिन इस दूध पीकर केवल रहते हुए यह साधना करता है उसकी कुंडली अवश्य जागृत होगी और उसके सामने देवता प्रत्यक्ष होंगे। ये मेरा चैलेंज है, करके देखो, नहीं हुआ तो गुरु जी गलत है कह दें, या नहीं तो 40 दिन एक समय भोजन करो, एक समय भोजन करते समय पानी पियो और इस मंत्र की माला करते रहो 11 माला, और 40 दिन करने के बाद पहाड़ के ऊपर जाओ और पहाड़ के ऊपर जाकर आखिरी में ये माला रात पूरी रात जागते हुए इस माला को मंत्र जप करो और आपको देखो देवता प्रत्यक्ष होता है और आप ऐश्वर्यवान और आपकी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होती है नहीं है। मैं आपको परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से इस गुरु पूर्णिमा के प्रथम दिन आशीर्वाद देते हुए इस कुंडली जागरण की नियमबद्ध साधना को प्रदान करने के लिए समय देता हूँ, कुंडली यंत्र और माला लाने के लिए, क्योंकि मैंने ये यंत्र और माला है इस 7 दिन में मेरे भाई को कहकर दत्त भैया को कहकर बनवाए हैं और ये मेरी तपस्या है। मैंने गुरु से पूछकर या मेरी तपस्या के आधार पर मैंने ये कुंडली का यंत्र बनवाकर माला बनवाकर आपके लिए लाया हूँ और मैं मेरे जो साधक भाई हैं
मैं जिनके ऊपर आज गर्व के साथ कह सकता हूँ, उस्मानाबाद और भूम के साधक, उनकी प्रक्रिया जो भाई बहन गुरु भाई बहन आए, मेरे लिए उनके लिए आंसू है, जो आंसू नहीं मेरे लिए उनके मेरे उनके प्रति एक आशीर्वाद है, जो वहां से चलकर गुरु की पालकी लेकर वहां से चलते हुए आए और अपना गुरु के प्रति भक्ति और निष्ठा बताते हुए गुरु का प्रचार करते हुए, मैं उनको मनपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ कि उनकी कुंडलिनी भी जागरण हो। आज प्रथम दिन उस भूमि के उस सारी साधकों के लिए आपको एक बार उनका जय घोष करते हुए कहता हूँ कि परम पूज्य सद्गुरुदेव का जय घोष ही उनका जय घोष है। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। और मैं ऐसी पालकी की प्रक्रियाएं हर तरफ से यहाँ आए, पंडरी की वारी एकादशी को उधर जाती है तो आज पंडरी गुरुजी बनकर यहाँ पलटे हुए हैं और पंडरी की वारी उस्मानाबाद भूम से लेकर यहाँ आई। मैं उन साधकों को फिर आशीर्वाद देता हूँ और उनका सम्मान मैं गुरु पूर्णिमा के दिन करूंगा। इसमें सम्मान उनको सम्मान की जरूरत नहीं है और सम्मान देने का ये भी मेरी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उनका हौसला उनकी उस दाद को मैं देता हूँ कि उनके जंगलों से चलते हुए अपनी पालकी को लेकर अपनी गुरु का फोटो लेकर वे चलते हुए आए। मैं उनको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि ऐसा कार्य हर एक लोग करें और हर एक ज्योतिर्लिंग में ऐसी पालकी गुरु पूर्णिमा तक यहाँ पहुंचे। जो कार्य आज तक सिद्धाश्रम साधक परिवार में कहीं नहीं हुआ, यह पहला कार्य हैदराबाद निखिल चेतना केंद्र की ओर से हुआ है। मैं उन सभी को मनपूर्वक आशीर्वाद देते हुए कुंडलिनी यंत्र और माला लाने के लिए एक 15 मिनट का समय देता हूँ और शिव भैया से कहता हूँ कि अच्छा भजन सुनाए, उसके बाद मैं साधना की प्रक्रिया समझाऊंगा। परम पूजनीय माता जी की, गुरुपुत्र गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की, समस्त सिद्धाश्रम साधक परिवार की, बोलो हर हर महादेव। यह साधना कुंडलिनी यंत्र आज ही आप ला लें, प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद कल सुबह इसकी माला का मंत्र जप का विधान मैं सुबह प्रातः जब जप होगा तब वो मंत्र दूंगा, क्योंकि खाना खाने के बाद इस मंत्र को देने की प्रक्रिया नहीं है। यंत्र आप ले ले, मंत्र मैं सुबह कल सुबह दूंगा। 15 मिनट का समय देता हूँ, उसके बाद कुंडलिनी यंत्र नहीं दिया जाएगा। मैंने सुबह आपको समझाया कि जिन्होंने भी कुंडलिनी जागरण का यंत्र लिया हो, माला ली है और ये साधना करना चाहते हैं, आज तक आपके जीवन में आपने बहुत सारे साधना सामग्री ली, मैं ये जानता हूँ। साधना सामग्री ली ये गुरु को गुरु के ऊपर उपकार हुआ, क्योंकि आपने पैसे देकर गुरु को यंत्र के माध्यम से गुरु के ऊपर उपकार किया। लेकिन मैं इस गुरुपीठ पर बैठा हुआ एक बात कहता हूँ कि जितने लोगों ने सामग्रियां खरीदी है वो लोग पूरी साधनाएं संपन्न की है, ऐसे कोई हाथ उठाओ। जितने सामग्री लिए उतने हमने साधनाएं किए, एक कोई एक आदमी जहा इतने लोगों में सामग्रियां तो सभी ने खरीदी और हाथ उठाए एक, और उस हाथ के बारे में मैं अगर परीक्षा करूं तो वो भी हाथ में फेल हो जाएगा मेरा जहां तक ख्याल है। तो इसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम गुरु के प्रति कितने निष्ठावान, हम साधनाओं के प्रति कितने निष्ठावान। हम साधना में तो इस शिविर में तो भाग लेते हैं, साधना सामग्री तो लेते हैं और साधना नहीं करते। कम से कम आप इस कुंडलिनी जागरण के इस यंत्र के बारे में तो ऐसा ना करें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। ये क्यों कि आपको योग्य शिष्य बनना है, आपको आने वाले पीढ़ियों के लिए निखिल ज्योति को जलाना है, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए सामर्थ्यवान शिष्य बनना है, इसलिए इस साधना को जरूर संपन्न करें। मुझे अभी एक गुरु बहन ने आकर एक बात पूछी कि कहा कि गुरुजी हम पहाड़ पे कैसे जाएंगे, पहाड़ पे जाने के लिए पहाड़ बहुत सारे पड़े, तिरुपति का पहाड़ है, आपके कहीं भी जहाँ बैठे हुए वहाँ पहाड़ों की जल्दी है, अपने को और साधना ही करनी है तो गुफाओं में नदियों के किनारे संगम तीर्थ पर जाते हैं, पहाड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पहाड़ पर जाकर साधना करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस साधना में ऐसा ही लिखा है कि जिसकी कुंडलिनी जागरण करनी है वो उपवास के साथ अगर पहाड़ चढ़ता है तो उसको प्राणायाम ऑटोमेटिक हो जाएगा, और जो पहाड़ पर चढ़कर रात भर बैठकर इस साधना का आखिरी दिन मंत्र जप करता है उसको देवता और कुंडलिनी जागरण निश्चित होगी ही होगी, यह विधान है। मैं मंदिर में बैठकर करती हूँ, मैं शिवजी के पास बैठकर करती हूँ, मैं शिवलिंग के ऊपर बैठे करती हूँ, ये नहीं है। यह विधान क्या है, इसको 8वें दिन पहाड़ पर जाकर ही साधना कर संपन्न करनी है जिसका हम अनुभव ले सकते हैं। तो इसको दृष्टि में रखकर आप एक साधक दूसरे साधक की सहायता करते हुए इस साधना को संपन्न करें जिन्होंने भी लिया है। अब रही दूसरी बात, मैं उसके बारे में गुटिका के बारे में कह रहा था, मैं इस कुंडलिनी जागरण की साधना जिन्होंने भी ली है और
गत वर्ष गत पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा से लेकर आज तक साधनाएं संपन्न की और घर के किसी कारणवश उस साधनाओं का दशांश होम उन्होंने नहीं कर सके